जनपद औरैया थाना इरबाकटरा के अंतर्गत नगला बास त्रुपुर में झूलते हुए 11,000 वोल्टेज की तार, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अधिकारी कर्मचारियों की घोर लापरवाही यहां देखने को मिली। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। बिजली विभाग के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले और संज्ञान में ले। ग्रामीणों ने कहा कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। खेत मालिक सुरजन सिंह ने कहा कि हमने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। लगातार 2 बरस से बिजली की तार झूल रही है। अधिकारी व कर्मचारियों के पास जाते हैं तो आजकल कर रही है, जबकि सुरजन सिंह का कहना है कि हम खेत की जुताई बुवाई नहीं करा पा रहे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब ग्रामीण व खेत मालिक सुरजन सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार से गुहार लगाई कि बिजली की 11,000 के तारों को तत्काल ऊंचा करवाया जाए, जिससे बड़ी घटना ना हो और हम खेती सुचारू रूप से कर सके। औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट, राम गोपाल परिहार। नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? जिला औरैया। क्या समस्या आ रही है आपको? बिजली की एक तार नीचे है, खेती तो नहीं जुत पा रहे हैं, आतन से कर रहे सब कार। कितने दिन हो गए इन तारों को? ये हो गए 6 महीना। किसी अधिकारी शिकायत नहीं की आपने? सब अधिकारी से बात करी, लाइनमैन, हेल्पलाइन नंबर, किसी ने सुनवाई नहीं की। कितने साल हो गए इसको झूलते हुए? ये 6 महीने हो गए झूलते हुए। लाइन तो है बहुत पुरानी लाइन, तब तार ऊँचे थे, अब नीचे हो गए। जमीन से तार की लंबाई कितनी होगी लगभग? जमीन से तार के नीचे लंबाई 6 फुट। 6 फुट होगी? 6 फुट में तो खतरा हो सकता है कभी भी। खतरा 3-4 बार करंट लग गया। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार से ही कहना चाह रहे तार सही किए जाए लाइन।